हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इकोनॉमिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग क्या होता है मालूम है क्या? फोरकास्टिंग का मतलब होता है पता करना, प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जो भविष्यवाणी करते हैं ना, बस वैसे ही कुछ है, पर ये भविष्यवाणी स्टडी करके किया जाता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी का सेल्स कितना हो सकता है, फ्यूचर में डिमांड कितना होगा, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। तो फोरकास्ट डिमांड फोरकास्टिंग इज एस्टिमेटिंग फाइंड आउट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना डिमांड होगा। जैसे आईफोन 15 आने वाला है, तो उन लोग ने आईफोन 14 के बेस के हिसाब से, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आईफोन 15 का प्रेडिक्शन कर दिया रहेगा, इतना प्रोडक्शन करके इतना अपना सेल हो सकता है ना। जिससे कंपनी क्या होता है मालूम है, अपना रिस्क कम करती है, जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आता है, जो मतलब अननोन है हमको, उसके हिसाब से कंपनी प्लानिंग करती है, राइट। तो इट इज़ प्रैक्टिस बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेस फर्म प्लानिंग करती है कॉस्ट रिटर्न प्रॉफिट के लिए, स्कूल वाले करते कितने एडमिशन आएगा, कॉलेज वाले करते। तो ये ही मेथड को बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग से सबसे पहले होता है फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी कंपनी अपना टारगेट सेट करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेता है, राइट। तो इधर एग्जांपल क्या दिया है, एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट करंट डिमांड फॉर इस प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट मूव फॉरवर्ड टू अचीव द सेट गोल। तो अगर हम लोग अनुमान लगा लेंगे, अजम्पशन लगा देंगे कि इतना लास्ट ईयर के हिसाब से आज ये सेल होएगा, तो इस हिसाब से कंपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे ना। तो ये होता है कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर किसके थ्रू अचीव होता है, फोरकास्टिंग के थ्रू। तो नेक्स्ट फायदा क्या दिया है, प्रिपेयरिंग ए बजट। जब हमको जजमेंट लग गया है कि इतना अपना सेल्स हो सकता है, तो कंपनी बजट बनाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आएगा, कहाँ खर्चा करना है, कौन से प्रोडक्शन में कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो कंपनी बजट बनाएगी कितना पैसा आएगा, कहाँ डालना है, राइट। बजट मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आएगा, कहाँ कौन से पैसे को कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ खर्चा करना है, ओके, कितना रेवेन्यू हम लोग कमा सकते हैं। फिर इससे क्या होगा, कंपनी एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन, मेन तो प्रोडक्शन है। जब मालूम पड़ गया कितना हो सकता है डिमांड, तो कंपनी उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, कैपेसिटी प्लांट की बढ़ा देगी और प्रोडक्शन कंटिन्यूस रखेंगी। फिर इसके हिसाब से लोगों को हायर करेंगी ना, ज़्यादा लोगों को हायर करके मतलब क्यों है, कहे के लिए उनको एक्स्ट्रा पगार देगी, है ना। तो रिसोर्स को आइडल नहीं रखेंगी, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और इससे बिजनेस एक्सपांड होता है। जो कंपनी डिमांड फोरकास्टिंग करता है उससे बिजनेस क्या होता है, एक्सपांड होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, सर्वाइव करता है, मार्केट में टिकता है, जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट। दियल है इट मीन्स दैट डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जब डिमांड बढ़ा तो बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। इफ द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज हायर, अगर हमारा प्रोडक्ट का डिमांड हायर है, दैन ऑर्गेनाइजेशन में प्लान टू एक्सपांड फर्दर, एक्सेल करेगी, ग्रो करेगी। दिस आर दी एडवांटेजेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्या दिया है, मैनेजमेंट डिसीजन। तो जब एक बार डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, देन इट हेल्प द मैनेजर्स टू टेक डिसीजन ऑन बिजनेस कि कौन सी प्लांट की कैपेसिटी लेना है, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कितने लोगों को हायर करना है, क्या काम बांटना है। तो स्ट्रैटेजिक गोल सब सेट हो जाता है, तो मैनेजर को भी इजी हो जाता है, इसलिए तुमको इकोनॉमिक में दिया है सब्जेक्ट। और परफॉर्मेंस, द कंपनी कैन चेक द कंट्रोल करेगी, परफॉर्मेंस चेक करेगी एम्प्लॉयज़ का, कौन कैसे काम कर रहा है, अच्छा रहा तो अच्छी बात है, जब बुरा रहा है तो कंपनी करेक्शन करेगी ना उस पर, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब जो गलत हो रहा है, पीछे हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको जजमेंट है इतना प्रोडक्शन होने वाला है, इतना सप्लाई होने वाला है, तो प्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए। फिर इससे हेल्प दी गवर्नमेंट, इट हेल्प्स दी गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो फिर गवर्नमेंट को भी आइडिया आ जाता है कि फ्यूचर में कितना इंपोर्ट होगा, कितना एक्सपोर्ट होगा। तो इस तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है, ओके। तो एक सिंपल सा टॉपिक एग्जाम में आ जाएगा, तो अच्छे से तुम लोग वन वर्ड्स में लिख सकते हो, ये मीनिंग हो जाएगा तुम्हारा, राइट। और ये एक टीचर का नंबर है, तो उनको मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। मुझे भी आइडिया नहीं है, मेरी स्टूडेंट का नोट्स था तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।